हाय, मैं सीमा सांगवान। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है असेस क्रिएटिव ग्रुप। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे आप घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वो है ये: पनीर 200 ग्राम, दो टमाटर, दो प्याज कटे हुए, दो हरी मिर्च। यहाँ मैंने दो प्याज और एक शिमला मिर्च ली है, जिसको इस प्रकार से काट लिया है। हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, कटा हुआ हरा धनिया, फ्रेश क्रीम 50 ग्राम और तेल लेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करके फ्राई पैन रख लेंगे। अब हम इसमें एक बड़े चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। जब प्याज का रंग हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें हमारे कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज का रंग हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि हमारे टमाटर प्याज जल्दी पक जाएं। और हम इन्हें इसी तरह से 5-6 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाएंगे। अब हमारे टमाटर प्याज पक गए हैं। अब मैं इन्हें मिक्सी के जार में डाल के पीस रही हूँ। और अब मैंने टमाटर प्याज को पीसकर पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम उस फ्राई पैन को दोबारा गैस पर रख के थोड़ा सा तेल और डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। प्याज, शिमला मिर्च जिसको हमने चकोर आकार में काट लिया था, और इन सबको हमें हल्का सा भूनना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हमारे मसाले भून गए हैं और मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्याज का पेस्ट जो हमने पीस कर तैयार किया था। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर,
और एक चम्मच फ्रेश क्रीम और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे। और ये लीजिए, अब हमारी कढ़ाई पनीर तैयार है और गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने इसे एक बर्तन में निकालकर करीम और हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग कर दी है। और आप भी अब अपने घर पे कढ़ाई पनीर बनाइए और खाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।